तो सारे ACC 130 के जो कैंडिडेट जिन्होंने ACC 130 एग्ज़ाम क्लियर कर रहा है उनके लिए एक नया अपडेट मैं लेके आया हूँ इस वीडियो लेक्चर में। YLC कोर्स के रिगार्डिंग सारी आपकी डिकोड करा जाएगा कि ये YLC कोर्स होता क्या है, कौन से कैंडिडेट्स इस कोर्स में ज्वाइन करेंगे और साथ ही साथ किस रैंक तक ज्वाइन करेंगे और कितनी तारीख को YLC कोर्स जो है अभी वाला आपका स्टार्ट हो रहा है फॉर ऑल ACC 130 कैंडिडेट्स। तो सारे डाउट्स इस वीडियो में कवर होंगे, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। ठीक है, तो पहली चीज तो मैं आपको दिखा दूं ऑफिशियल नोटिफिकेशंस। ठीक है, तो आपको पहले मैं ये समझाऊंगा ये जो YLC कोर्स होता है इसका मेन मुद्दा क्या है। देखो, आर्मी में जो है ऑफिसर्स का शॉर्टफॉल है उसको पूरा करने के लिए ये YLC कोर्स बनाया गया है। ठीक है, अब जैसे कि ACC एंट्री होगी, SU एंट्री होगी या PCS एंट्री जो कि सर्विस एंट्रीज होती हैं, ठीक है, इनका रिकमेंडेशन रेशियो या परसेंटेज बहुत कम था, इसलिए एक इंडियन आर्मी ने स्कीम ले आए कि जिसमें हम यंग लीडरशिप कोर्स हम करवाएंगे उन कैंडिडेट्स को जिनकी रिटर्न में अच्छी परफॉर्मेंस है, YLC रिटर्न में अच्छी परफॉर्मेंस है। तो इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आपको अलग से SSB कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर अच्छे से रिटर्न में अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, अच्छी रैंकिंग लेके आएंगे तो ऑटोमेटिकली YLC कोर्स के लिए आपका नाम आ जाएगा एंड देन यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द SSB। और यहाँ पे 18 हफ्ते आपको जो है प्री SSB ट्रेनिंग दी जाती है जिधर आपको वहाँ पे YLC कोर्स में रखा जाता है, A to Z आपको स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करवाई जाती है। तो यहाँ पे आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी देख सकते हैं तो कि YLC यंग लीडरशिप ट्रेनिंग विंग इसका एस्टेब्लिशमेंट OTA चेन्नई में हुआ है और जो कि ट्रेन करता है वहाँ पे ACC SU एंड PCSL एंट्री के कैंडिडेट्स को, जिससे कि उनका SSB प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाए और दूसरा जो है इनका कम्युनिकेशन स्किल, प्री SSB ट्रेनिंग, सारी चीज़ें यहाँ पे कवर हो जाए। तो ये है पर्पस ऑफ YLC कि उनका टीम बिल्डिंग कम्युनिकेशन बढ़िया करना है, टीम बिल्डिंग स्किल बढ़िया करना है और जो शॉर्टफॉल है उसे पूरा करना है। ठीक है, इसीलिए हम हमेशा हम लोग आपको सजेस्ट भी करते रहते हैं कि रिटर्न में आप अपनी अगर अच्छी परफॉर्मेंस देंगे तो आप YLC के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे, नहीं तो लोग 20-25 हज़ार SSB कोचिंग्स के लिए स्पेंड करते हैं। तो आप खुद सोचिए कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अटैचमेंट पे OTA चेन्नई में भेजा जाएगा जिधर ऑफिसर्स की ऑलरेडी ट्रेनिंग होती है, वहाँ पे इतने सारे ऑफिसर्स आपके साथ रहेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी खुद कितनी निखर के आएगी वहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे अभी मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाता हूँ आपका जो एग्ज़ाम है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप 1 जनवरी मतलब 5 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ था, 1 फरवरी को आपका रिज़ल्ट आ गया था, पहली चीज़। ठीक है, अब 1 फरवरी को जैसे कि आपका रिज़ल्ट आ गया था तो इसमें क्या है, YLC जो सीरियल नंबर 10 है ये आपका यहाँ पे 18 मार्च से आपका स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ACC 130 कैंडिडेट्स के लिए, जिसमें कि ACC के 150 कैंडिडेट लिए जाएंगे और 50 कैंडिडेट SU के लिए जाएंगे। अब ये 150 और 50 वाला क्या मैटर है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। पहली चीज़ तो इसमें ये होता है कि आपको जो टॉप 500 ACC के कैंडिडेट्स हैं उनको बुलाया जाएगा वहाँ पे। ठीक है, और टॉप 500 में से भी जो कैंडिडेट्स अच्छा वहाँ पे परफॉर्म करेंगे, मतलब वहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि टॉप 500 के 500 कैंडिडेट्स को रखा जाएगा, टॉप 500 कैंडिडेट्स में वही कैंडिडेट्स रखे जाएंगे जो वहाँ पे जिनकी मतलब स्क्रीनिंग में जिनकी अच्छी परफॉर्मेंस होगी, बाकी रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स को वापस भेज दिया जाएगा, ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो वहाँ पे आपका एक टाइप ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। ठीक है, वो स्क्रीनिंग टेस्ट अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको वहाँ पे मतलब टॉप के जो 150 कैंडिडेट्स होंगे उनको वहाँ पे रखा जाएगा। ठीक है, ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा अभी। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो और SSB जो ACC 130 का होगा वो अगस्त सितंबर के महीने में होगा, ये भी डाउट आपका क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद इस बार जो टोटल 2256 कैंडिडेट्स ने क्लियर किया है ACC 130 रिटर्न, उसमें से टॉप 500 कैंडिडेट्स सिर्फ और सिर्फ इंडियन आर्मी के। ठीक है, अब मान के चलिए जो स्टार्टिंग में है, अगर एयरफोर्स और नेवी के भी कैंडिडेट्स हैं, कुछ जस्ट एग्जांपल के लिए हम ले रहे हैं, एयरफोर्स और नेवी के अगर कैंडिडेट्स हैं उसमें 400 कैंडिडेट एयरफोर्स नेवी का है, 500 कैंडिडेट आर्मी का है, तो टॉप 500 फिर कहाँ तक रैंकिंग चलेगी, रैंकिंग चलेगी 900 तक। तो 900 रैंकिंग तक वो जो है YLC के लिए आपका नाम आएगा, ये चीज़ ध्यान में रखें। ठीक है,
उसके बाद में जो प्रोसीजर वहाँ पे रहता है YLC में, तो ये आपके टेस्ट वहाँ पे रहते हैं, जो कि SSB स्टेज वन स्क्रीनिंग में भी टेस्ट कंडक्ट करे जाते हैं। सेम उसी तरह के टेस्ट आपके वहाँ पे होते हैं, तो उसमें अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको OTA चेन्नई में और वहाँ पे छुट्टी भी दी जाएगी 9 हफ्ते के बाद। टोटल 18 वीक्स का आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, मैंने आपको दिखा दी हैं। तो अगर आप इसका प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है कि ACC डिफेंस एकेडमी का ऑनलाइन SSB बैच स्टार्ट हो रहा है। बिकॉज स्टेज वन जो SSB का होता है, इट इज़ क्वाइट सिमिलर टू द YLC स्क्रीनिंग टेस्ट। तो अगर आप SSB की कोचिंग तैयार करते हैं अपने आप को, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो है तैयारी YLC के लिए भी हो जाएगी, क्योंकि एट द एंड यू ऑल हैव टू अपेयर फॉर द SSB। तो उसके लिए नया बैच जो ऑनलाइन SSB बैच स्टार्ट हो रहा है, वो अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको पूरा स्टेज वन हम कवर करवाएंगे, मास्टरी ओवर साइकोलॉजी, मतलब साइकोलॉजी आपकी पूरी कवर करवाएंगे हम लोग। उसके बाद में इंटरैक्टिव GTO सेशंस रहेंगे साइकोलॉजी में, पूरा VAT, TAT, SRT, SD सब कुछ आपका इसमें कवर किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद पर्सनल इंटरव्यूज होंगे, कॉन्फ्रेंस होगा आपका, ये सारी चीज़ें इस कोर्स में आपको देखने को मिलेंगी। तो आप अगर चाहते हैं कि गारंटीड आपको सिलेक्शन चाहिए और अच्छा परफॉर्मेंस आप देना चाहते हैं YLC और SSB दोनों में, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8120745966 पे। आपको पूरी डिटेल्स, पूरी जो है पर्सनल गाइडेंस दे दी जाएगी। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जो लाइव क्लासेस होंगी इस सेशन में आपकी, वो डेली रात में 9 बजे से 11 बजे होंगी, बिकॉज मोस्टली सर्विस कैंडिडेट्स नाइट में फ्री होते हैं, ठीक है। और जो लाइव क्लासेस होंगी उनकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।